नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समस्त चैनल। आज हम मौजूद हैं आईपी एक्सटेंशन में कल्याण ट्रस्ट के साथ में, जो कि इस्लम एरिया के बच्चों के साथ में आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। आपको दिखाएंगे, बच्चों की कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो आने वाले कल का भविष्य है, उन बच्चों को लेके ये कल्याण ट्रस्ट उनके साथ में बहुत मेहनत कर रहा है। पिछले 7-8 सालों से इन बच्चों के लिए कहना एक माँ बाप का साया बन के उनके साथ है। तो आज इन बच्चों के हुनर भी देखेंगे हम, और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कल्याण ट्रस्ट की फाउंडर से भी आपको मिलवाएंगे, और भी अन्य अतिथि अगर हमारे साथ में जुड़ते हैं तो उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। आर्मी ऑफिसर बनना है और देश की सेवा करनी है। बेटा, मैंने तेरे पिताजी को तो खो दिया है, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है, और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे
उसे उसके बेटे का नाम दे। आप लोगों की छुट्टी मंजूरी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। ट्रैजिक ट्रैजिक डे फॉर इंडिया, 40 सीआरपीएफ जवान्स हैव बीन किल्ड इन द वर्स्ट टेरर अटैक अगेंस्ट सिक्योरिटी मैन इन कश्मीर एवर। ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़कर रख दिया। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, who are we? इंडियन आर्मी ने यह जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाय सर। हाउ इज द जोश? हाय सर। अच्छा, हाउ इज द जोश? हाय सर। गुड। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। दीवाना हौसला बुलंद कर, मुश्किल सब आसान करिए। जादू सारी रात खोली नींद में ख्वाब, देखो लगा है जो ऐसा विशाप। टूट जाइए चल, टूट फूट जाइए चल, मुश्किल करके फना। लहू का पसीना मेरा फट जाए सीना, मेरा हिम्मतों से छुरू आसमान। टूट जाइए चल, टूट फूट जाइए चल, मुश्किल करके फना। लहू का पसीना मेरा फट जाए सीना, मेरा हिम्मतों से छुरू आसमान। तेरा नाम है साचा, मन मेरी यानी पाचा।
नाम तेरा माँ हो, एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। कैसे मैं चुकाऊं तेरा एहसान, माए तेरी चुनरी यार लहराए। जब तक मुझ में है जरा सी जान, माए तेरी चुनरी यार लहराए। मिलवाते हैं कल्याण ट्रस्ट की फाउंडर इंद्रजीत कौर जी से, जिनके सहयोग से और जिनके द्वारा ये स्लम एरिया में आज जो बच्चों के साथ सेलिब्रेशन किया गया, और हमेशा से इन बच्चों को एक माँ की तरह इन्होंने पाला है, और बहुत सारे वर्क हैं इनके, आप हमारे अदर वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में इंद्रजीत जी से ही बात करेंगे और जानेंगे आज का ये प्रोग्राम करके कितनी खुशी महसूस हो रही है, वो तो चेहरे से ही पता लग रहा है, और क्या मैसेज ये देना चाहेंगे आज 26 जनवरी पे देशवासियों को। इंद्रजीत जी स्वागत है एक बार फिर। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि हम लोग अगर अपने अपने हिस्से का, जैसे हम अपने हिस्से का खाना खाते हैं, अपने हिस्से की नींद लेते हैं, अपने हिस्से का काम करते हैं, तो इसी तरह हम अपने अपने हिस्से का देश के प्रति जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम अपने अपने हिस्से का योगदान डालें तो मुझे लगता है कि काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम लोग जनरली सरकार को दोष देते हैं, बहुत प्रॉब्लम हमें भी आती है, बट हम लोग जो एक चीज़ पे काम करते हैं कि हम अपने हिस्से का दें, हम अपना कदम उठाते हैं, और हमें बहुत सारे लोग आके सहयोग करते हैं। अगर हम घर बैठ के कोसते रहेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं आज सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप किसी की इंतज़ार मत करें, किसी लीडर की इंतज़ार मत करें, आप अपना लीडर, अपने आप को लीडर बना के आप आगे आएँ, तो निश्चिंत आपके साथ पीछे एक काफिला ज़रूर जुड़ेगा जी। जैसे 26 जनवरी है, बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है, इन बच्चों के लिए क्या आशीर्वाद के शब्द बोलना चाहेंगी, और देशवासियों को 26 जनवरी के लिए क्या स्पेशल मैसेज रहेगा आपका? इन बच्चों के लिए तो मैं बहुत तहे दिल से इन बच्चों की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन बच्चों के आने से मेरी लाइफ में जो चेंज आया है वो तो मैं शायद शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो हम लोग घर में अपनी फैमिली बच्चे सब एक वो जो हमारा कर्तव्य होता है वो करते हैं, इन बच्चों ने मेरी ज़िंदगी को एक दिशा दी है। और हम लोग
यहाँ पे एफर्ट डालते हैं तो उनका श्रेय इन बच्चों को भी जाता है कि जो 7 साल से हमारे ऊपर भरोसा करके, आपको पता है जैसे हम यहाँ स्लम में पढ़ाते थे, अब हमारा सेंटर थोड़ा दूर है और ये बच्चे रोज़ वहाँ तक आते हैं, किसी ने ये नहीं बोला कि दूर है हम नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के सहयोग के बिना भी शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इन बच्चों के लिए मेरा बहुत सारा प्यार आशीर्वाद है और मैं इन बच्चों को जहाँ तक मेरी हिम्मत होगी, जहाँ ऊपर वाला साथ देगा, मैं इन बच्चों को ज़रूर आगे लेके जाना चाहती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो ब्लॉसम कोचर मैम है, ये हमें बहुत तरह से सपोर्ट करते हैं हमारे हर इवेंट में, बच्चों के लिए गिफ्ट देना, फूड के लिए, और इन्होंने अभी हमें जगह प्रोवाइड करवाई है और भी आगे बहुत फ्यूचर प्लान्स हैं। तो आप अपनी नीयत साफ करके चलते जाओ तो सही नीयत वाले भी आपके साथ जुड़ जाते हैं। जी इंद्रजीत जी, हमारे चैनलों के लिए क्या मैसेज देंगे, पी न्यूज़ और केएफटी न्यूज़ वाले समस्त चैनलों का हमारे क्या आशीर्वाद? आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमेशा साथ देते हो, जो सही चीज़ होती है उसको सामने लेके आते हो, और मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए, आप दुगनी चौगनी रात तरक्की करते रहो, ऐसे ही कल्याण ट्रस्ट भी। और मैं सबके लिए दुआएं करूँगी कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और मन में बैर ना रखें, जो हैं वो रियल बन के रहें और अपनी नीयत साफ रखें। और मुझे नहीं लगता कि नीयत साफ रखें चलो तो कोई दिक्कत आती है। तो सब लोगों के लिए ढेर सारे दुआएं, बच्चों के लिए जितने लोग हैं, ये देखिए ये 15-25 साल से ये लड़का हमारे साथ है, आज भी इसको आवाज़ मारते हैं कि बेटा प्रोग्राम करना है तो ये फट से यहाँ हाजिर हो जाता है। और हमारा हर त्यौहार इन बच्चों के साथ सेम डे सेलिब्रेट किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा, और इन बच्चों की बेटरमेंट के लिए हम आगे कार्य करते रहेंगे। थैंक यू। स्वागत है आपका पहले तो हमारे। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आज जो ये कल्याण ट्रस्ट ने यार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों को? ऐसे हमारे साथ और भी लोग जुड़ने चाहिए जो इन बच्चों के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम कर सकें। मैं यही कहना चाहूँगी कल्याण ट्रस्ट में और तरक्की हो और लोग जुड़े बच्चों को ग्रूम करने के लिए, जो वो हमारे साथ जुड़ कर कर सकना चाहें वो करें। इंद्रजीत जी और उनके जो टीचर्स पूरी टीम है, उनकी जितनी भी टीम है वो सारा बहुत मेहनत करती है, तो इस मेहनत में हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़ें, अपना सहयोग दें। जी धन्यवाद करता हूं। स्वागत की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी भारतवासी, हम भी भारत के सिटीजन्स हैं और हमारा भी पूरा ड्यूटी बनती है आने वाली जनरेशन को इस चीज़ से जोड़ने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन मनाया जाए रिपब्लिक डे, उसको उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ब्लॉसम कोचर के भी आप पे नहीं, मैं अपने पर्सनल भी आप पे भी आई हूँ इंद्रजीत जी के नक्शे कदमों पे चलने के लिए, और शी इज़ द इंस्पिरेशन फॉर ऑल दिस। और इतना तैयारी और इतना एफर्ट देख के दिल बहुत खुश होता है कि बच्चे सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं और समझते हैं अपने इंडिया के इंडिपेंडेंस को, रिपब्लिक को, कॉन्स्टिट्यूशन को, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। वासियों को आज जो रिपब्लिक डे मनाया आपने बच्चों के साथ में, इन्हें ट्रेंड भी आपने किया, ग्रोम किया इन्हें पूरा, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं आप सभी को 26 जनवरी की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कल्याण ट्रस्ट की टीम की तरफ से, हम सभी की तरफ से सभी भारतवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सबसे बस एक ही अपील करना चाहूँगी कि जो काम हमारी इंद्रजीत दीदी कर रही हैं, आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा ये जो बच्चे जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दी है, आपको क्या लगा कि ये बच्चे वेल ट्रेंड हैं? नहीं, ये बच्चे उस स्लम से बिलोंग करते हैं जहाँ इनके पास पानी नहीं है, इनके पास लाइट नहीं है, इनके माता पिता इनके साथ में मतलब बिल्कुल भी कोई सहयोग नहीं करते हैं। ये सारा जो हमें पुश किया जाता है पीछे से, ये सारी मेहनत हमने की है, लेकिन उस मेहनत को करने के पीछे जो मेहनत लगती है वो हमारी इंद्रजीत दी की है। आप लोगों को मतलब ये लगता है कि अरे बच्चे आए, उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे जो चीज़ें, जो एफर्ट लगते हैं वो उन्होंने किए हैं। आपको पता है मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ख़राब है, कुछ भी है, 24 घंटे एक ही चीज़ होती है, बेटा बच्चों के लिए क्या चल रहा है, कुछ चीज़ तो नहीं चाहिए, बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चों की दवाई से लेके उनकी स्टडी से हर चीज़। इतनी ठंड पड़ी, लोग आते हैं, कोई खाना दे के चला गया, कोई पानी दे के चला गया, या कोई आया 4 स्वेटर दे के चला गया, लेकिन उनका ये नहीं है, वो एक एक बच्चे को साथ लेके जाती हैं, उनकी पसंद से उन्हें दिलवाती है, एक बहुत बड़ी बात है, हर इंसान नहीं करता। आप सबसे बस एक ही अपील करना चाहूँगी कि हमारी कल्याण ट्रस्ट टीम से जुड़िए, हमारा परिवार और बड़ा कीजिए, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, और हमारी कल्याण ट्रस्ट टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
पब्लिक डे मनाया बच्चों के साथ में, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों? देशवासियों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये जो बच्चों ने मेहनत की है, बहुत अच्छा बच्चों ने परफॉर्मेंस किया है आज, और बच्चों को रिपब्लिक डे के बारे में इन्होंने जो बताया, जो समझाया, ये एक अच्छा संदेश है जो कि बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको इसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारा देश आगे उन्नति कर पाएगा। हमें देश के बच्चों को पता होना चाहिए हम क्यों रिपब्लिक डे मना रहे हैं, हमारी इससे क्या क्या जुड़ी हुई इसकी वो है, जो इतने लोगों ने अपनी अपनी क्या कहते हैं हाँ अपने प्राणों की आहुति दी, अपना जितना संघर्ष किया, उसकी वजह से आज हम लोग अपने संविधान के साथ अपने स्वतंत्र देश में जी रहे हैं। धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहूँगी? मैं मैसेज तो यही देना चाहूँगी कि मैं आज मैं सेकंड टाइम आई हूँ। दूसरी चीज़ ये है, मैंने एक चीज़ देखी है कि यूनिवर्स ना सभी के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट ज़रूर देता है, और हम सब एक माध्यम बनते हैं, चाहे मैं हो गई, चाहे इंद्रजीत जी हो गए, या हम सारी पूरी टीम। तो इन बच्चों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर किसी भी को भी इस दुनिया में लाता है ना, तो उसको सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं से अवेलेबल करा ही देता है। तो मुझे लगता है कि हम सब शायद इस चीज़ का एक माध्यम बने हैं, और हम कुछ भी नहीं है उसकी मर्ज़ी के अलावा। तो मैं तो उसी को कहती हूँ कि ये सब यूनिवर्स की ही देन है, और हम सब ब्लेस्ड हैं कि हम इस चीज़ का एक हिस्सा बने। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कशिश है और मैं इस स्लम की टीचर हूँ। यहाँ पे जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, इन सब की प्रैक्टिस पार्टिसिपेट सब हमने करवाया है, और मेन चीज़ ये है कि हमने करवाया तो है, लेकिन हमें जो पुश करते हैं ना वो इंद्रजीत मैम है, मतलब कल्याण ट्रस्ट की पूरी टीम ही है, दीदी है और पूरी टीम लग के करती ही है। जी जी। और इन बच्चों को ट्रेंड करने में किन परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा, क्योंकि बच्चे शरारती बहुत ज़्यादा हैं, वो देखने से भी लगता है। परेशानी तो नहीं होती है, वो बच्चे हैं, वो तो शैतानी करेंगे ही, थोड़ा बहुत है उनको समझाना पड़ता है बस, और तो कोई परेशानी नहीं होती। अंजलि, अंजलि क्या कहना चाहेंगे आज, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे देशवासियों? यही कि सब लोग एक साथ रहें, मिलजुल के रहें बस। और कल्याण ट्रस्ट ने जो आज ये पूरा सेलिब्रेशन किया है, आप लोगों ने मिल के मेहनत की है, कैसा लग रहा है कल्याण ट्रस्ट के साथ जुड़ के, और क्या मैसेज आप कल्याण ट्रस्ट के लिए देना चाहेंगी सबको? यही कि मैम है इसलिए हम हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं मैम, और आप भी मैम को सपोर्ट करो बस। थैंक यू बच्चों। आपने देखा किस तरीके से आज कल्याण ट्रस्ट ने रिपब्लिक डे पूरे हर्षोल्लास के साथ में यहाँ सेलिब्रेट किया, और जो इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी उससे देशवासियों को क्या मैसेज इन्होंने दिया वो आपको भी समझ में आ रहा होगा। और एक ही मैसेज हम भी देना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सभी मिलके हर तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करें, और आपस में मिलके प्यार मोहब्बत से रहें, और इसी तरीके से पी न्यूज़ और हमारे समस्त चैनल हमेशा आपके लिए नए नए इवेंट, नई नई खोज और नई नई चीज़ें आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं। बने रहिए पी न्यूज़, कैफिटी न्यूज़, ऑल नेशन न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।